हेलो दोस्तों, विपिन, मैं विपिन अपने हाईटेक विपिन सर में आपका स्वागत करता हूँ। आज आप लोगों के लिए लेकर आ रहा हूँ कि कैसे ITI पास आउट स्टूडेंट अपना सर्टिफिकेट और मार्कशीट कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको जाना होगा www.ncbt.mis.gov.in /page/training/authorization.asps। इसको ऐसे डालने के बाद आप इंटर करेंगे तो आपके सामने सीधा आपकी प्रोफाइल खुल जाती है। अगर आप ऐसा नहीं कर पाते तो ncbt.mis.gov डालेंगे तब भी ये खुलेगा। तो आपको यहाँ आने के बाद ट्रेनिंग के बाद आपको ट्रेनिंग प्रोफाइल पे जाना पड़ेगा। तो यहाँ तो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर रहेगा, रजिस्ट्रेशन नंबर आपका रोल नंबर ही होता है। तो इसमें आपको रोल नंबर डालने के लिए क्या होता है कि आपका जो जब आपने एनरोल कराया था ITI में पढ़ रहे थे तो आपका उस टाइम एक रजिस्ट्रेशन नंबर होता था, रोल नंबर था, वो रोल नंबर से आप डाउनलोड कर सकते हैं। रोल नंबर डाउनलोड करने के लिए आपको हम बता दें कि कैसे होगा। आप अपना रोल नंबर लीजिएगा, फादर डिटेल भरिएगा और डेट ऑफ बर्थ डालिएगा इंटर करके, उसके बाद खुल जाएगा। तो मैं अभी आपको दिखाने चला हूँ। तो आप देखिए, हमने यहाँ अपना रोल नंबर डाल दिया है, आप पिताजी का नाम डाल दिया है, डेट ऑफ बर्थ डाल दिया है। तो ये देखिए, आपका रोल नंबर के आगे जीरो लगा होगा तो इसमें आपको जीरो हटा के आर लिख के उसके बाद डालना है, तभी आपका खुलेगा। उसके बाद नीचे कैप्चा आएगा, तो इस कैप्चा को हमें फिल करना होता है। तो हम 19270 को फुल करके और उसके बाद सबमिट करते हैं। जैसे सबमिट करते हैं ट्रेनिंग प्रोफाइल खुल के आ जाती है। देखिए, आपको ट्रेनिंग हमारी ट्रेनिंग प्रोफाइल खुल के आ गई है। फिर आप नीचे जाएंगे ITI ट्रेनिंग डिटेल पे, इसमें कहाँ से क्या होता है। यहाँ देखिए, आपका पूरा किस स्कूल से आपने किया है, किस स्टेट से किया है। आप इसमें चाहेंगे हॉल टिकट भी देख सकते हैं, आप मार्कशीट भी यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपको मार्कशीट डाउनलोड करने से नहीं, आपको सर्टिफिकेट और मार्कशीट दोनों चाहिए। तो सर्टिफिकेट, प्रिंट सर्टिफिकेट पे आप क्लिक करेंगे तो आप ऐसे सर्टिफिकेट को डाउनलोड करेंगे तो आपका डेस्कटॉप पे आके सेव हो जाएगा, जहां आप सेव किए रहेंगे। उसके बाद प्रिंट कॉन्स्टिट्यूट मार्कशीट पे क्लिक करेंगे, फिर आपकी मार्कशीट डाउनलोड हो जाएगी। मार्कशीट डाउनलोड कर सेव कर लीजिए। अब हम दिखाते हैं आपको, हमने जो डाउनलोड कर लिया है तो हम आपको दिखाते हैं क्या कैसे आता सर्टिफिकेट बन के हमारा, जो ITI के ITI स्कूल से सर्टिफिकेट नहीं मिलता तो आपको खुद ही ऑनलाइन जाके डाउनलोड करना पड़ता है। तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका ये दिख जाएगा, ये हमारा सर्टिफिकेट है, प्रमाण पत्र, इसमें नाम डिटेल सब कुछ है। ये हमारा पूरा, इसको हमको प्रिंट करवा लेना है, ये 4 साइज पे इसको लेमिनेट करके अपने पास रख लेना है। फिर और आप दिखाते हैं आपको मार्कशीट, ये हमारी मार्कशीट है, ये हमारी मार्कशीट हो गई। तो आप इसको ऐसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगर आप लोगों को जानना है कैसे डाउनलोड होता है तो इसके लिए आप लोग हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करें। आप तभी ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं कैसे ITI का रिजल्ट डाउनलोड करते हो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हाईटेज विपिन सर, आप गूगल यूट्यूब पे लिखेंगे हाईटेज विपिन सर तो हमारा चैनल आपको मिल जाएगा। तो वहाँ से आप ये वीडियोस देख पाएंगे। तो इस वीडियो को बगैर स्किप करके देखेंगे तो वो अभी आपके पूरी समझ में आएगा। तो मैं आपको बता दिया हूँ, तो आप हमारे चैनल को लाइक और शेयर और सपोर्ट करना ना भूलें। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।